हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दीजिए, अगर मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। जैसे कि हम सैलरी भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं देते, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर ये तीन चार पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं बन सकता। पहली बात, व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो अलाउड, नॉट अलाउड, हैंस नो ट्रीटमेंट। को पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब यहाँ पर क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं बेटा? सिनेरियो नंबर वन बन सकता है, अगर प्रॉफिट्स हैं, पार्टनरशिप डीड ने भी बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और प्रॉफिट्स भी अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए आप, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 16 देना था, बी को 16.8 देना था, प्रॉफिट्स थे 50,000 रुपये के, आप आराम से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सॉल्यूशन डाल देते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए आप, बाय P&L जो भी नेट प्रॉफिट होगा आपका, इसमें से सबसे पहले लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को। प्रॉफिट कितने का था? 50,000 का था ना, ये मेंशन है। 16,000 रुपये आपने इसे दे दिए, 8,000 आपने इसे दे दिए, 24,000 आपने दे दिए, बचा कितना है? 26,000। ये दोनों में 13 और 13 बढ़ जाएंगे, बात खत्म, राइट? सिंपल एज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमारी लॉसेज हैं, पार्टनरशिप डीड ने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, लेकिन क्या है बेटा, इस बारी लॉस हैं, तो अगर लॉस हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट, अप्रोप्रिएशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, क्या P&L अकाउंट लिख रहा हूँ, जो भी हमारा नेट लॉस था कितने का था, 50,000 रुपये का, मैं इसे सीधा सीधा क्या कर दूंगा, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में 25,000 और 25,000 भेज दूंगा लॉस को, राइट? ध्यान रखना, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, लॉस है, इसीलिए। नेक्स्ट, इफ देर इज अ प्रॉफिट बट लेस प्रॉफिट अवेलेबल, इस बारी हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन क्या है, कम प्रॉफिट है, तो आपको एक बात याद आनी चाहिए कि सर एप्रोप्रिएट रेशियो में हम बंटवाते हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एप्रोप्रिएट रेशियो की, ए और बी। ए को क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 16,000 और 8,000, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये 16,000 और 8,000, तो रेशियो बन गई 2:1। अब इस रेशियो में हम क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट 12,000 रुपये का था, इस 12,000 रुपये को हम ए और बी में बांट देंगे 2:1 में, बोले तो 8,000 और 4,000 रुपये। सर ये अप्रोप्रिएशन में क्यों बंटवा रहे हैं बेटा, प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन है। अब एक बात बताओ, आपको 24,000 रुपये देने हैं और पड़े 12,000, प्रॉफिट कम पड़े हुए हैं, तो कम प्रॉफिट को एक अप्रोप्रिएट रेशियो में बंटवा दो, बात खत्म, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, जब लॉस थे तो P&L अकाउंट से मैंने करा, जब प्रॉफिट है, कम है, वो एक अलग बात है, तो अप्रोप्रिएशन से ही आपका बनेगा, राइट? हाँ सर, बिल्कुल बात ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अच्छा है, सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, क्यों? देखो, पार्टनरशिप डीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और साथ में, ओ भाई साहब हेलो, इधर देखेंगे, चाहे हमारे पास लॉस क्यों ना हो, ओ माय गॉड, आप कहोगे हैं सर चाहे लॉस क्यों ना हो हमें देना ही है, हाँ बच्चे हाँ बिल्कुल। तो अब आप कहोगे सर फिर P&L में दें, किस में दें, किस में ना दें, मैं कहा आओ मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बताओ लॉस कितने के हैं, 10,000 के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16 और 8, 24,000 देना है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल ने बोला है चाहे लॉस क्यों ना हो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो मेरी मजबूरी है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे P&L अकाउंट में ले जाऊंगा और नुकसान को बढ़ा दूंगा। ये था घाटे में घाटा, ऑलरेडी 10,000 रुपये का घाटा था, नुकसान था, अब हमें 24,000 रुपये का और नुकसान बुक करना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, P&L अकाउंट में इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, कितने का था, लॉस था, सॉरी नेट लॉस था 10,000 रुपये का, और यहाँ पर टू,
ए टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने, साथ साथ लिखो अलग अलग, चलो 16,000 और 8,000, तो 24 और 10 34,000 रुपये का लॉस है इसे ए के कैपिटल अकाउंट में, और बी के कैपिटल अकाउंट में 34 को आप बटवा देंगे किस रेशियो में, कुछ नहीं बोला तो 1:1 17,000 और 17,000, राइट। तो ये थे बेटा जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते थे आपकी पूरी बुक में, वो मैंने यहाँ पर आपको समरी बना के दे दिए। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी।